हेलो एंड वेलकम टू एग्री स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर नंबर आपका है ये 50 और जो आपके पास ये दोनों के लिए रहता है रेगुलर और आईसीटी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट्स को शीट दी जाती हैं वो 40 शीट्स होती हैं, ठीक है। इसमें से आप क्या करते हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर है तो आप सिर्फ 20 शीट्स भरते हैं, लेकिन 20 मत भरो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 28 इसके बीच में आप शीट भरा करो। अब देखते हैं इसमें हमारे पास जो सेक्शन ए है उसमें जो क्या क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो ये 2 मार्क्स के होते हैं, 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, उसका ए पार्ट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी टू स्कूल एजुकेशन, तो ये भी वीडियो में कवर हो चुका है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यूज ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन इन एजुकेशन, यानी कि सीसीटीवी के बारे में आपने लिखना है। उसी तरह से हिंदी में ऑपरेटिंग प्रणाली के कार्य, विद्यालय शिक्षा के लिए आईसीटी को एकीकृत करने में चुनौतियाँ। थर्ड है इसमें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और चौथा है इसमें शिक्षा में बंद सर्किट टेलीविजन के उपयोग। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। तो सेक्शन बी का आपका ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन वो दिया है डिस्कस इन डिटेल द पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन एजुकेशन। देखिए 2 मार्क्स में पूछ लिया गया है तो इसको आप उसी तरह से लिख सकते हो इलेबोरेट करके, ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। शिक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने की संभावनाएं और चुनौतियों की विस्तार में विवेचना करें। और इसमें जो एक और क्वेश्चन आपको आता है और करके, तो वो है डिस्कस द फीचर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ आप देख सकते हो एडवांटेजेस आपने वर्ड प्रोसेसर की लिखनी है, जितनी भी बताई गई है उससे एक्स्ट्रा भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सी सेक्शन है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था 8 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका 16 का, और अब जो फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन सी में, डिस्कस वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विभिन्न हार्डवेयर के तकनीकों की विवेचना करें, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में प्रोजेक्टर के लाभों की विवेचना करें। तो यहाँ पर जो आपके पास जितने भी प्रोजेक्टर हैं, ठीक है, उनका आप यूज़ कर सकते हो, जो भी एजुकेशन में हम यूज़ करते हैं, तो सभी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टर, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्टर नहीं दिया आपके पास, तो आप सारे मिक्स करके इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और करके, डिस्कस द कंपोनेंट एंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्मार्ट क्लासरूम, एनालाइज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल क्लासरूम। स्मार्ट कक्षा कक्ष की संकल्पना और तत्वों की विवेचना करें, पारंपरिक कक्षा कक्ष में इसके लाभों और नुकसानों का विश्लेषण करें। तो ये भी आप लिख सकते हैं, जितना भी स्मार्ट क्लासरूम के बारे में आपको मैंने वीडियो में बताया है, कवर किया है, तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार उन वीडियोज़ का आप जरूर देखें, और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन पेपर को भी आप देखें, क्या बताओ यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। ये HPU का पेपर है जो लास्ट ईयर हुआ था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।